आप लोग ये बताएंगे कि हम चुनाव किस प्रकार से जी सकते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, पर सोने पे सुहागा तब होगा जब आप शामली की सीट भी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के खाते में डालने का काम करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा पवन जी से कि पवन जी आए एक बार जोरदार ताली बजा के और जोरदार ताली में स्वागत करें पवन जी का। आज की सभा के आदरणीय अतिथि और जी हमारे बुजुर्ग ग्रामवासी भाई दोस्त और माता और बहनों, बस मैं तो यही कहूँगा जब पहले भी बसपा की सरकार रही है बहन जी भी ना, अब इस सरकार में जो चल रही है बसपा की किसी की सुनवाई नहीं होती गरीब गुरबा की, बस सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसपा को वोट दे, बहन जी को कामयाब करें। जय भीम जय भारत। कि हम लोग दिल्ली में तो रहते हैं पर उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए आए हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर शोषण या उत्पीड़न होता है तो उसका असर पूरे भारत में तो होता ही है, पर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ दिल्ली भी है तो कहीं ना कहीं हमें भी दर्द और पीड़ा होती है, इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं और हम लगभग चुनाव तक ही रहेंगे और जितना सदुपयोग आप हमारा करना चाहो हमारा सदुपयोग आप लोग कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर ये सीट निकलती है तो लाभ भी आप ही को होगा, हमें लाभ नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें सहयोग दें। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा कालू राम जी हमारे बीच में है, वो भी आए और था बताए थे और हम क्या कहें भाई, हम तो बसपा से पहले भी जुड़े हुए थे आगे भी जुड़े रहेंगे भाई। जयपाल जी को सभी नेतागण और सभी गाँव वासी भाई, हम तो यही चाह रहे हैं पहले से ही बसपा से जुड़े हुए है, ये तो पवन भाई को पता और को पता सब, और वह बसपा के सहयोग देंगे। आगे भी आने वाला समय जो है इलेक्शन में बसपा के साथ देंगे। बीच में दिल्ली से चल के आए हैं, जिले के प्रभारी हैं, दिल्ली में गोकलपुर जिला है एक, उस जिले के प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो हमारे बीच में आए हैं महबूब अली जी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। हमारे सहयोगी बसपा से जुड़े हुए जो मेहनत में लगे हुए हैं अनिल सागर साहब और मौलाना शौकीन साहब जो दिल्ली से चलकर आए हैं, सलीम खान साहब जो प्रदेश में सचिव हैं हमारे, और सभी ग्रामवासियों प्यारे बच्चों माताओं बहनों, दोस्तों इलेक्शन आ गए, गरीबों के घर पर अब सब कुछ आएगा, नेता आएंगे, रोटी का लालच देगा कोई कुछ देगा, लेकिन मसले हल नहीं होते जो असली मसले हैं। कोई रिक्शा बांट रहे हैं अखिलेश साहब जो हमारे सीएम हैं आपके, लेकिन दे देंगे लेकिन आरक्षण नहीं देंगे। मसला यह है कि गरीबों का हमदर्द कौन है, आपकी लड़ाई कौन लड़ता है, आपको वो चुनना है, और गरीबों की लड़ाई अकेली बहन मायावती जी लड़ रही हैं जो इस प्रदेश की 4-5 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और कैसे प्रशासन शासन चलाया ये आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, नुकसान मीडिया में भी उन्हें नहीं दिखा रहे हैं, ये सब सबकी साजिश है, नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं से डरते हैं, सबको पता है कि दलित और मुसलमान अगर यूपी में एक हो गया तो क्या ये होना चाहिए, वोट जो है सोच समझ के अपना मोहम्मद इस्लाम चुनाव चिन्ह हाथी भाई, अमन चैन जो इस उत्तर प्रदेश में रहता आया है पुराने दिन याद करना, वही आने चाहिए। धन्यवाद साथियों, इस तरह से महबूब हमारे पवन भाई हैं, कल्लू भाई साहब हैं और ताहिर भाई ने भी अभी अपनी अपनी बात रखी, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। शामली विधानसभा के अंदर हम लोग गांव-गांव कस्बे-कस्बे जाकर देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम साहब को हर जाति हर धर्म का समर्थन मिल गया है, वो इसलिए कि ये उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी के कार्यकाल के अंदर
ना कोई दंगा होता है, ना कोई गुंडा खुला घूमता है। दिन आ गया, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आपने उनसे गठबंधन कर लिया, जिन्हें आप कल तक कहा करते थे गुंडों की सरकार है, आज आप उनसे हाथ मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्हें आप कहते थे यूपी के अंदर 27 साल बेहाल है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आज कौन सी, या तो बतलाइए राहुल गांधी जी आप गुंडे हैं या फिर अखिलेश यादव जी गुंडे हैं, तो दोनों गुंडे गुंडे मिल गए साथ में। कांग्रेस की हाल बतलाऊं, कांग्रेस ने अगर 10 साल तक केंद्र के अंदर हुकूमत की है, और जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पे आई है शीला दीक्षित जी, और कहती थी कि हम उत्तर प्रदेश की में जा रहे हैं और हम कन्नौज की भाभी हैं, असलियत हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर वो भाभी भी हो सकती हैं तो उनका हम बारे में बतलाना चाहते हैं, वो टल्ली भाभी है, इसलिए भी हमें साड़ी आड़ी की बड़ी जरूरत। वो बगैर पिए कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस तरीके से हमें वोट का अधिकार दिया है, हम उस वोट के अधिकार, सरकार चलती रही चाहे वो मानवर काशीराम ग्राम, उसके अंतर्गत जितने भी मकान बनाए गए, सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, बांधने वालों को, उनको मकान दिए गए, उनको चाबियां दी गई, हमारे बीच में हमारे तोमर साहब आ चुके। तो मैं आप सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा, और मैं आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से, धन्यवाद यहाँ सुन्ना गांव की इस नुक्कड़ मीटिंग में पधारे हमारे सम्मानित MLC ML तोमर साहब, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में विशेष स्थान रखने वाले माननीय बहन जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, गांव में उपस्थित सभी बुजुर्ग, वो ये के एक मिशन है बाबा साहब का, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, और मिशन है माननीय कांशीराम जी का, जिसे लेकर के हम सभी लोग चल रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं कह के, गुमराह करते हैं ये कह के कि क्या जब दूसरे जीतते हैं, दूसरे बनते हैं, वे हमारे घर में अनाज डालते हैं क्या? कोई नहीं डालता। हमारे चीफ गेस्ट जी को बुलवाने से पहले जो इस मीटिंग के आयोजक हैं, मोहन जी द्वारा ये मीटिंग रखी गई, माननीय पवन कुमार जी के द्वारा ये मीटिंग हुई, और इसमें शिरकत कर रहे माननीय कालू राम जी, जयपाल जी, रामधन जी, सतपाल जी, ताहिर जी, मंगल जी, इनका हम तहे दिल से बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तहे दिल से सभी लोगों का, और यहाँ पर आए सभी सम्मानित साथियों, हमारी माता बहनों का बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मैं हमारी इस मीटिंग के चीफ, कई स्टेटों में प्रभारी और स्पेशल में लगाए गए उत्तर प्रदेश में, जो बड़ी मेहनत और लगन से रिजल्ट लाने का काम करते हैं हमारे बीच में, माननीय ML तोमर साहब जी को आमंत्रित करता हूं, और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं उनका जोरदार ताली से स्वागत करें। माननीय ML तोमर साहब जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई पवन जी हमारे साथ आए, पूर्व जिला अध्यक्ष और मंडल में कोऑर्डिनेटर रहे भाई देवीदास जयंत जी, और उन्हीं के साथ हमारे साथी जिनके प्रयास से इस मीटिंग को किया गया, भाई अनिल सागर जी, अनिल गौतम जी, सलीम भाई, महबूब भाई, हमारे रवि जी, हरिकिशन जाटव जी, सागर साहब, कमल जाटव जी, और सम्मानित सभी साथियों, आज हम अपील करने के लिए आए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का 2007 से और 2012 तक का शासनकाल
आप लोगों ने उस शासन काल को देखा, उस शासन काल में कुछ अगर विशेष था तो वो विशेष ये था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया जिसमें हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों को मान सम्मान की बात कही गई, लेकिन यहाँ जो सरकारें रही उन्होंने कमजोर गरीब लाचार मजदूर मजलूम किसान उनकी हिमायत और वकालत करने का काम नहीं किया। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए शक्तिशाली हथियार का प्रयोग समझाने में पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर का अधिकार ना मिलता, ये वोट डालने का अधिकार, ये चलने का अधिकार, ये फिरने का अधिकार, ये कपड़े पहनने का अधिकार, ये पढ़ने लिखने का अधिकार अगर किसी ने इस भारत में दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही ये भी लिखने का काम किया कि यदि इस देश में जो सरकारें चले उनकी नियत और नियति ठीक ना हो, ना राजा बना लोगे तो आपकी समस्याओं का निदान अपने आप स्वतः ही होना शुरू हो जाए। मैं क्षेत्र से वाकिफ हूं, मैंने 2007 में इधर से चौधरी बलबीर सिंह को चुनाव जिताने का काम किया था।